रहता है क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, यह हमें देखना है यहाँ पे। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप का क्या होता है, एक साइड क्लोज रहेगी और उसकी जो नोड वो बनेगा इस तरीके से बनेगा। अब ये जहां पे ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वहां पे एक क्या बनता है, नोड बनता है, और जहां पे ओपन रहता है वहां पे क्या बनता है, एंटी नोड। ये पता है, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट नोड। जो फर्स्ट हाफ लिया है ना मैंने, मैंने क्वार्टर जो इसका लिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट नोड। टोटल कितना होता है ये, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितना होगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसका मैंने ये वाला पार्ट लिया है, ये वाला पार्ट दिख गया आपको, ये वाला पार्ट लिया है, तो ये फर्स्ट नोड होता है। तो इसकी कितनी हो जाएगी वेवलेंथ, कितनी है इसकी, अगर इस पूरे की वेवलेंथ है लैम्डा, तो फर्स्ट नोड की वेवलेंथ लैम्डा लैम्डा बाय 4। एल क्या होता है यहाँ पे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम का जो, एयर कॉलम जो दी हुई है आपको, ये वाली, ये जो रेक्टेंगल हमें दी हुई है, इसकी लेंथ एल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये एंटी नोड, ये नोड, ये लैम्डा बाय 4। देन फर्स्ट नोड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा, वी बाय 4L। फर्स्ट नोड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा, वी बाय 4L, वेयर वी इज द, वी वी क्या है यहां पे, यस वी इज द स्पीड, साउंड स्पीड या स्पीड ऑफ द साउंड ना, तो ये फंडामेंटल है। अब ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें, तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर हमारे दोनों साइड ओपन रहेंगे, तो यहां पे इस तरीके से बनेगा ये नोड, यहां पे ये एंटी नोड और एक एंटी नोड। इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा बाय 2। अगर एल हम लेते हैं लेंथ ऑफ एयर कॉलन, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप इज डिफाइंड बाय वी बाय 2L। तो इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो अगर फ्रीक्वेंसी का हम रेशियो बताएं कि N1:N2:N3:N4, तो किसके इक्वल होगा क्लोज ऑर्गन पाइप में, -1। नहीं, रेशियो N1 तो ये रहा, अगर हम यहाँ पे N अप्लाई कर दे, और अगर N2 जो होगा, N3 जो होगा, N4 होगा, वो किस किस के इक्वल होगा, चलो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ, N1 कितना है अपना, V/4L, यही है N1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये आया कहाँ से, देखो थोड़ा सा इसमें आपको फॉर्मूलाज का वो देखना पड़ेगा कहाँ से आया। हमने देखा कि लेंथ कितनी है अभी, ऑर्गन जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम की लेंथ कितनी है हमारी, λ1/4 है, ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो केसेस है, ये केस किसका लिया है मैंने, एल इजिकल टू λ1/4 का, इन केस ऑफ फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड के केस में, फर्स्ट नोड के केस में ये लिया है। अब थर्ड नोड के केस पे मुझे डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना अपने नई स्लाइड पे इनको अलग से देख लें। ये हमारा फर्स्ट नोड, ठीक है, फर्स्ट नोड में क्या करेंगे, ऐसे ये तो ये क्या है, हमारी लेंथ है क्लोज ऑर्गन पाइप की, और इसकी लेंथ कितनी, जो लैम्डा कितनी है, λ1/4। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब जो दूसरा हम कंसीडर करेंगे क्लोज को, तो वो कैसे बनेगा, लाइक दिस, ऐसे यहां से और ये, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, एंटी नोड जो ओपन जहां से साइड है ना, वहां पे आपका एंटी नोड बनेगा, जहां पे क्लोज साइड है वहां पे आपका क्या बनेगा, हमेशा नोड। तो अब क्लोज साइड पे नोड तो आ गया, अगर या तो हम ये करते, जैसे हमारी ये वेव है,
या तो हमने यहां से लिया ये फर्स्ट वाला ये ले लिया, तो हमारा ओपन साइड में क्या बन गया, एंटी नोड बन गया ना, बनाए। यस अब नेक्स्ट एंटी नोड कब बनेगा, जब हम इतना पार्ट लेंगे, जबी तो ये एंटी नोड बनेगा यहाँ पे। यस तो एंटी नोड बनने के लिए नेक्स्ट पार्ट हमने इतना लिया, तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे फिर से एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे फिर से नोड बनेगा। अब इस केस में अगर इसकी लेंथ हम कंसीडर करें एल, तो ये लेंथ कितनी हो गई, कितनी हो गई, 3 लैम्डा बाई 4। वेल 3 लैम्डा 2 बाई 4 सेकेंड के लिए बात करें। अब मैं नेक्स्ट एक और क्लोज ऑर्गन पाइप लेता हूँ, अब मुझे उसमें फिर से ओपन जो साइड है वहां पे एंटी नोड बनाना है, तो क्या होगा सर? 3 लैम्डा बाई 4 कैसे आया इसकी? देखो ये पूरी कितनी है, लैम्डा, ए लैम्डा है ये पूरा, ये वाला पार्ट कितना होगा, लैम्डा बाय फोर, ये यहां से लेकर यहां तक पार्ट कितना होगा, 2 लैम्डा बाय 4, ये यहां से लेकर यहां तक पार्ट कितना होगा, 3 लैम्डा बाय 4, कितना हुआ, 3 लैम्डा बाय 4 ना, यहां से लेकर यहां तक पार्ट कितना होगा, 4 लैम्डा बाय 4, तो ये कैंसिल हो गया तो लैम्डा रह जाएगा, तो ये 3 लैम्डा बाय 4। मतलब इसको मैंने 4 पार्ट्स के अंदर कट कर दिया, पूरे जो वेव थी हमारी, अगर ये हमारी वेव होती है, इस वेव को 4 पार्ट में कट कर दिया, ये होगा लैम्डा बाय 4, ये होगा 2 लैम्डा बाय 4, ये होगा 3 लैम्डा बाय 4। डिस्टरबेंस इज देयर सर, प्लीज म्यूट कर, अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो। यस और ये जो फर्दर जो पूरा होगा ये 4 लैम्डा बाय 4, मतलब लैम्डा। तो अब इसका बताओ रितु, ये थोड़ी वेव सही नहीं बन रही, देख लेना आप। हाँ अब मुझे नेक्स्ट जो एंटी नोड लेना है उसके लिए वेव तो यही लेनी पड़ेगी मुझे, यस और नो? तो ये क्या बनेगा एंटी नोड, ये क्या बनेगा नोड, ये एंटी नोड, ये फिर नोड, ये एंटी नोड और ये नोड। तो अब इसकी जो वेवलेंथ है वो बताओ कितनी आएगी, 5 लैम्डा बाय 4। देखो ये लैम्डा बाय 4, ये 2 लैम्डा बाय 4, ये 3 लैम्डा बाय 4, ये 4 लैम्डा बाय 4 और ये 5 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4। ठीक है माइक्रोफोन म्यूट कर लो अपना। अब ये जो होती है इसको तो हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट नोड, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटन, इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटन, ठीक है इसको बोलते हैं फर्स्ट नोड। अब मुझे बताओ यहां पे जो लेंथ है एयर कॉलम की वो किसके इक्वल है, लैम्डा 1/4 के, यहां पर लेंथ है वो किसके इक्वल है, 3 लैम्डा 2/4 के, और यहां पर जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 5 लैम्डा 3/4 के। ये स्टेप समझ में आया, यस और नो? हेलो, यस सर, यस सर। लैम्डा 1 क्या हो जाएगा यहां से 4L, लैम्डा 2 यहां से क्या हो जाएगा 4L/3, और लैम्डा 3 यहां से क्या हो जाएगा 4L/5। अब मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी, हाँ वेरी गुड, एन लैम्डा, वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ, सो फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बाय लैम्डा। इफ वेलोसिटी ऑफ द वेव इज कॉन्स्टेंट देन वी बाय लैम्डा क्या आएगा, 4L। इसके लिए एन इक्वल टू क्या आएगा, ये एन वन है, ये एन टू, एन टू क्या आएगा, वी बाय 3V/4, वेरी गुड, और इसके लिए एन थ्री कितना आएगा, 5V/4L। तो हमारे पास एन वन, एन टू और एन थ्री और एन फोर का रेशियो क्या आया, 1:4, 1/4, 1:3:5:7। वेरी गुड, 1:3:5:7, क्योंकि एन वन कितना आएगा अपने पास, वी बाय 4L, एन टू कितना आएगा, 3V/4L, एन थ्री कितना आएगा, 5V/4L, और एन फोर कितना आएगा, 7V/4L। अब ये समझ में आया? चलो अब ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल कितनी है, V/2L। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हम फिर से डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब हमें दोनों साइड में क्या चाहिए, एंटी नोड, दोनों साइड में एंटी नोड चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये नोड हुआ, ये एंटी नोड हुआ, ये एंटी नोड हुआ,
अब ये एल है, डिस्टरबेंस आ रहा है, अपना माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। तो ये जो वेवलेंथ है ये कितनी हो गई, लैम्डा वन बाय टू, क्यों? क्योंकि हमारी ये थी वेव, हमने इसको डिवाइड किया, ये लैम्डा बाय फोर, ये पार्ट लैम्डा बाय फोर का, ये पार्ट लैम्डा बाय फोर का, और ये लैम्डा बाय फोर। हमने कौन सा पार्ट लिया है, ये वाला। तो इस वाले पार्ट की क्या होगी, लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर मतलब लैम्डा बाय टू। अब जो सेकंड हम ओपन आर्गन पाइप लेते हैं, हमें दोनों साइड में क्या लेना है, हमें दोनों तरफ एंटीनोड ओपन होनी चाहिए ना, yes. दोनों तरफ ओपन yes. किस केस में हो सकता है, जब हम क्या लेंगे एंटीनोड लाइक दिस, यस। तो ये एंटीनोड, ये नोड, ये एंटीनोड, ये नोड और ये एंटीनोड। तो ये अब लेंथ किसके कितना लैम्डा हो गया, ये लैम्डा बाय फोर, ये लैम्डा, लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय फोर और लैम्डा बाय फोर, तो कितना हो गया लैम्डा, लैम्डा, तो ये लैम्डा टू हो गया। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, कितना लैम्डा बाय टू हो गया, जैसे ये लैम्डा वन बाय टू है, वन लैम्डा टू, लैम्डा टू, टू लैम्डा टू बाय टू, ठीक है ना, ये टू, ये लैम्डा, लैम्डा बाय टू ये, और ये लैम्डा बाय टू। अगर जो थर्ड टाइप से बात करें, मुझे दोनों तरफ एंटी नोड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वन फिर टू फिर ये, तो यहां पे ये थोड़ा देख लेना, वेव ऐसे क्लियर नहीं बननी, ओके। ये एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड और एंटी नोड। तो कितने इसमें लैम्डा आ रहे हैं, देखो ध्यान से, हाफ में डिवाइड करें तो थ्री लैम्डा बाय टू। अब इसकी बात करें हम, तो इसमें लेंथ कितनी है, लैम्डा वन बाय टू है या नहीं, तो लैम्डा वन कितनी आ गई, टू एल, तो एन वन कितनी आ गई, बी अपॉन टू एल। इसकी बात करें तो एल कितनी है, टू लैम्डा टू बाय टू, कितना आ गया, लैम्डा टू इज इक्वल टू टू एल बाय टू, और एन टू इज इक्वल टू टू बी अपॉन टू एल। इसकी बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू थ्री लैम्डा थ्री बाय टू, लैम्डा थ्री इज इक्वल टू टू एल बाय थ्री, और वी कैन से एन थ्री इज इक्वल टू थ्री वी बाय टू एल। तो इनका क्या रेशो आ गया, वी बाय टू एल, टू वी बाय टू एल, थ्री वी बाय टू एल। तो अगर हम इसका रेशो लिखना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी का ओपन ऑर्गन पाइप में, तो एन वन रेशो एन टू रेशो एन थ्री रेशो एन फोर, तो क्या आएगा, वन इज टू टू इज टू थ्री इज टू फोर। समझ में आ गया, दिस इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। ये रेशियो होता है क्लोज में और ओपन में, कब, जब हमारी जो वेव है कौन सी होगी, वो लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव का जो होगा वो हमारे पास ये फंडा होगा, ठीक है, यस और नो, यस ओके। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आपका है डॉपलर्स इफेक्ट, साउंड जो बोलते हैं, जो डॉपलर्स इफेक्ट जो आता है वो। अब इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप ट्राई कर लोगे, इसमें क्वेश्चंस जो कैसे आएंगे, अगर सपोज करो क्वेश्चन आया तो कैसे उसे सॉल्व करोगे आप? यस सर, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन में देता हूँ, वो सॉल्व करके दिखाओ। ओपन 20% पार्ट ऑफ ओपन व्हाट सर, ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप,
क्या आएगा? एनीवन? नहीं हो रहा है सर। 5v5 4l। नहीं नहीं देखो, n इक्वल टू क्या होता है ओपन के लिए? v ओवर 2l। 2l ये होता है। अब इसने क्या कहा? इज इमर्ज इन लिक्विड परपेंडिकुलरली, देन व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी इफ इनिशियली वाज n? इनिशियली n है v अपॉन 2l। अब क्या किया उसने? इमर्ज कर दिया किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर अगर उसने वो कर दिया तो उस केस के अंदर 20% पार्ट ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, 20% पार्ट का मतलब कितना हुआ? कितना पार्ट हुआ वो? 4/5 पार्ट। ये 4/5 पार्ट उसका जो इमर्ज हो गया ना सर। 1/5 नहीं, हाँ सॉरी, 1/5 इतना इमर्ज हो गया। तो वापस उसका जो जो इमर्ज पार्ट नहीं रहा, कितना पार्ट ओपन रहा, वो कितना रहा? 4/5। 1 - 1/5 = 4/5। 1/5 पार्ट तो इमर्ज कर दिया, 4/5 पार्ट, 5/5 पार्ट उसका क्या रहा? ओपन रहा। तो अब ये सपोज करो ये आपकी एक ओपन पाइप थी, ओपन पाइप थी, yes. समझ में आ गए? अब इसका जो कुछ पार्ट हमने इमर्ज कर दिया ऐसे, इट विल ट्रांसफॉर्म इन टू अ क्लोज्ड पाइप। अब ये क्या हो गई? अब ये क्लोज ऑर्गन पाइप हो गई। यस यस। और कितना पार्ट इसका बाहर रहा? 4/5 पार्ट इसका बाहर रहा। तो 4/5 पार्ट के साथ क्लोज ऑर्गन पाइप में चेंज हो गई, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? n′ = v/4l होती है, बट हमें पता है हमारी l कितनी है, 4/5 ऑफ द टोटल लेंथ l। यस। तब क्या हो जाएगी ये 5v/16l। और v/2l क्या होता है? n। तो n डैश कितना हो जाएगा अगर मैं इसको लिख दूं 5v/8 × 2l? तो v/2l कितना होता है? n। तो n डैश कितना हो जाएगा? 5/8 n। समझ में आया या नहीं समझ में आया? दोबारा समझाऊं? यस नो सर। यस सर। गर्ल्स हेलो, आ गया सर। ठीक है, इतना इमर्ज कर दिया तो ये ओपन क्लोज में चेंज हो गई। अब कितना पार्ट इमर्ज किया अपन ने? 1/5। ऊपर कितना रहा जो इमर्ज नहीं हुआ? 4/5। तो 4/5 पार्ट तो इमर्ज नहीं हुआ, 1/5 पार्ट इमर्ज हो गया। तो 4/5 पार्ट से इसकी क्लोज की फाइंड कर लेंगे हम, तो वो उससे रिलेट करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन, आपको बस क्लोज ओपन के लिए फ्रीक्वेंसी याद रखनी है और कुछ थोड़ी है। ओपन के लिए कितनी होती है? यस टेल मी। और क्लोज और क्लोज के लिए v/4l। बस इतना याद रखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। क्लोज ऑर्गन पाइप। यस सर। एक होगा क्लोज ऑर्गन पाइप, एक ओपन ऑर्गन पाइप हो जाएगा। कौन सा ओपन होगा? अगर एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसको मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ सर? अगर इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, हाँ जी, तो एक जो अगर जो एक पार्ट होगा वो ओपन हो जाएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और एक हो जाएगा क्लोज। वेरी गुड। फिर उन दोनों को निकाल लें। क्लोज का फ्रीक्वेंसी आएगा v
V/8L। अरे नहीं यार इतना नहीं आएगा, दोबारा से सोचो। मैं बताऊं? अरे एक बार बता दो। मैं बता देता हूँ। V/2L भाई कैसे आएगा डियर? मल्टीप्लाई में आएगा ना वो, जैसे ये क्लोज ऑर्गन पाइप है मेरी, क्लोज ऑर्गन पाइप में मैं कितने भी एंटी नोड लूँ कितने भी नोड लूँ वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो मैं अगर सपोज अगर एक सिंपल लेता हूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला, ये अब ये क्लोज है, इसकी लेंथ एल है, इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो मतलब यहाँ से तो L by 2, L by ये काट दिया, मतलब इसको थोड़ा छोटा बनाना है यहाँ से, ये इतना है। से तो लेंथ L by 2, L by 2 हो जाएगी। हाँ, लेंथ L by 2, L by 2 हो जाएगी बिल्कुल, जैसे ये है। ये अब इसको मैंने काट दिया यहाँ से, तो लेंथ होगी अपनी L by 2 और L by 2, ठीक है। L by 2 लेंथ हो गई। इनिशियली क्या था हमारे पास, इनिशियली तो ये COP थी ना, तो n इज इक्वल टू क्या होगा COP के लिए? यही होगा n इक्वल टू, तो अब हमने इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो एक तो क्या बन गई ओपन बन गई, और एक क्या बन गई क्लोज बन गई। भाई जो नीचे वाला पार्ट है वो क्लोज रहेगा अपना, एक ओपन बन गया, समझ में आया? ये इतना सा पार्ट रहेगा। अब हमें फाइंड करनी है क्लोज ओपन की, तो इसको मैंने लिया एन वन, इसको लिया मैंने एन वन, किसको? ओपन को, और क्लोज को लिया मैंने एन टू। तो ओपन एन वन इक्वल टू आ जाएगा वी बाय टू इंटू एल बाय टू, ये कितना आ गया सर? ये अच्छा ठीक है, V by L आ गया ये। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। V by 4L क्या है? N, तो 4N आ गया N1। N2 क्या है मेरी? क्लोज, क्लोज का मतलब V by 4 L by 2। अगर मैं इसको V by 2L हो गया ये, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है? N, तो 2 है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जो लास्ट टॉपिक है वेव्स का, वो है डॉपलर इफेक्ट। एक डॉपलर इफेक्ट मैंने वेव्स में पढ़ाया था, वो क्या था कोई बताएगा? वेव में एक डॉपलर पढ़ाया था, वो क्या था? यस, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, टू फाइंड द टू